दोस्तों जो 43 इंच की टीवी होती है वो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि अक्रॉस द इंडिया मोस्ट सेलिंग टीवी है। और आज की जो वीडियो है उसी के उसमें हम लोग बात करेंगे 43 इंच टीवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नोकिया की 43 इंच टीवी जो लॉन्च हो चुकी है इंडिया में। आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, बताएंगे स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ये आपको टीवी लेना चाहिए या नहीं। तो फिर वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखना और मेरा वादा है कि आपको समझ में आ जाएगी आपको टीवी लेनी चाहिए या फिर कोई दूसरे ब्रांड का लेना चाहिए। तो ये वीडियो काफी मसालेदार एकदम तीखा पानी पूरी की तरह होने वाला है, तो स्टार्ट टू एंड जरूर देखना। और उसके पहले, शुरुआत करने के पहले, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टन टन आए। शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों बात यहाँ पे कुछ ऐसी कि ये जो नोकिया की टीवी है 43 इंच वाली और इसमें एक और वेरिएंट लॉन्च किया था कुछ ही महीनों पहले 55 इंच का, तो ये जो नोकिया की टीवी है नोकिया की टीवी नहीं है। सबसे पहले इस पे सिर्फ और सिर्फ नोकिया की आपको ब्रांडिंग देखने मिलती है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग और सेलिंग सब कुछ देख रहा है फ्लिपकार्ट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रांडिंग देखने मिल रही है, सिर्फ नोकिया ने ब्रांडिंग राइट दे के रखे है और बाकी सब कुछ जो बैकग्राउंड में हो रहा है सब कुछ फ्लिपकार्ट के थ्रू हो रहा है। तो ये एक मार्केटिंग का ध्यान रखना है कि भाई वो लोग आपको ब्रांड दे रहे नोकिया का, लेकिन जो टीवी आपको मिलने वाली है वो फ्लिपकार्ट के तरफ से ही मिल रही है। तो अब यहाँ पे इस 43 इंच 4K टीवी के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी प्राइसिंग रखी है 32,000 रुपए और फ्लिपकार्ट 8 जून से मिलने वाली है 2020 से। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये आपको टीवी लेनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको आसानी से समझने के लिए यहाँ पे मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है। इसकी पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो, कनेक्टिविटी और परफॉर्मेंस, ये चार चीजों को डिवाइड करके मैंने आपके लिए आसानी से समझने के लिए वीडियो बनाया है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पिक्चर क्वालिटी से। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें पैनल के बारे में, तो यहाँ पे आपको इस टीवी में A+ ग्रेड का पैनल दिया गया। अब वो पैनल IPS है, ADS है या फिर VA है, ये अभी तक नोकिया ने ना ही बताया है ना ही फ्लिपकार्ट ने बताया है। अब आगे बात करें यहाँ पे कितने बिट का पैनल है, तो इस टीवी में आपको 10 बिट का पैनल देखने मिलेगा जिसके थ्रू आपको 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर देखने मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। और इसी के साथ ही साथ 100% वाइट कलर गैमेट का सपोर्ट। और अब बात करें यहाँ पे डॉल्बी विजन प्लस HDR10 का भी सपोर्ट देखने मिला, तो पिक्चर क्वालिटी ठीक ठाक होने वाली है। लेकिन अब यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी के मामले में जो गलत चीज की है या फिर बोल सकते हो एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा कि यहाँ पे आपको 300 nits की ब्राइटनेस है। 300 nits की ब्राइटनेस मुझे लगता है कम है उन लोगों के लिए, अगर आप ये टीवी लेते हो और हॉल के लिए लिया है और बाहर से लाइट आ रही है तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई विंडो बंद कर दो या फिर दरवाजे बंद कर दो, जहां से भी सनलाइट आ रही है वो दरवाजे विंडो बंद कर दो, क्योंकि जब वो अगर रोशनी आएगी तो आपको जो पिक्चर क्वालिटी है वो थोड़ी सी धूमिल या फिर बोलते हैं ना कलर लॉस देखने मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये टीवी अपने हॉल के लिए ले रहे हो तो यहाँ पे ब्राइटनेस निट्स बहुत ही कम है और इसी के साथ ही साथ जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो भी कम है, मतलब 1100:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो दिया गया है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये कम है। तो फिर पिक्चर क्वालिटी के मामले में अगर ये आपकी टीवी अपने हॉल के ले रहे हो या फिर वहां पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कलर लॉस या फिर बोलते हैं ना वो पिक्चर क्वालिटी का जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है, एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो आपको देखने नहीं मिलेगा। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी के बारे में कि ऑडियो और साउंड क्वालिटी के लिए क्या किया है। तो यहाँ पे आपको 24 वॉट का JBL के जो स्पीकर होते हैं वो लगाए गए हैं इसी टीवी में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और JBL की स्पीकर तो आपको पता ही है उसकी साउंड क्वालिटी कैसी होने वाली, तो साउंड क्वालिटी इस टीवी में बहुत जबरदस्त होने वाली। मैं रिपीट करना चाहूंगा, इस टीवी में साउंड क्वालिटी बहुत जबरदस्त होने वाली है। इसी के साथ ही साथ आपको डॉल्बी ऑडियो प्लस DTS 2 सराउंड का सपोर्ट दिया है, तो आपको एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने मिलेगा स्पेशली इस ऑडियो क्वालिटी के मामले में। तो यहाँ पे 10 out of 10 फॉर ऑडियो क्वालिटी। और जहां तक बात है टीवी के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे इस टीवी में लगाए गए प्रोसेसर जो मेन पार्ट होता है टीवी का, या फिर बोलते हैं बैकग्राउंड में जो भी इमेज प्रोसेसिंग हो रही है या फिर जो पिक्चर इंजन काम कर रहे हैं उसमें जो प्रोसेसर लगाया गया, यहाँ पे CA53 प्रोसेसर, क्वाडकोर प्रोसेसर लगाया गया। इसी के साथ ही साथ जो GPU दिया गया है वो माली 470 दिया गया है। तो बात करें टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 9 का सपोर्ट देखने मिलेगा, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही टीवी आने वाली। तो मुझे लगता है शायद अगर ये 2020 में और जून में अगर आप टीवी निकाल रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट देना चाहिए था इस टीवी में। तो यहाँ पे ये इस चीज का नोकिया को ध्यान रखना चाहिए। अब बात करें यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज और रैम के बारे में, तो इस टीवी में आपको 2.25 GB का रैम और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसके लिए मैं आपको नोकिया को 10 out of 10 देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में जितना ज्यादा रैम और जितना इंटरनल स्टोरेज उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको ढेर सारे गेम्स और एप्स मिलते हैं एंड्रॉइड प्ले स्टोर के थ्रू। तो आप डाउनलोड करोगे तो ऑब्वियसली अगर उसमें स्पेस रहेगा तो ही डाउनलोड करोगे, अगर नहीं है तो कैसे
डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे नोकिया ने बहुत अच्छा काम किया है। बात करें टीवी के कनेक्टिविटी के बारे में तो यहाँ पे इस टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे। इसी के साथ ही साथ ब्लूटूथ 5.0 दिया गया जो कि लेटेस्ट वाला है, बहुत अच्छी बात है, 10 out of 10 इसके लिए भी। अब यहाँ पे बात करें वाईफाई के कुछ फीचर्स के बारे में तो यहाँ पे वाईफाई अनेबल टीवी तो है ही, लेकिन यहाँ पे आपको जो वाईफाई का जो कैटेगरी है वह यहाँ पे आपको सिंगल बैंड वाईफाई देखने मिलेगा। यहाँ पे बाकी जो ब्रांड है आपको डुअल बैंड वाईफाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको नोकिया ने बहुत ही गंदा काम किया है कि जहाँ पे आपको सिंगल बैंड वाईफाई दिया है। डुअल बैंड और वाईफाई बैंड में अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पे आसान भाषा में अगर समझा जाए तो डुअल बैंड वाईफाई हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी टीवी पे कोई भी कंटेंट देख रहे हो, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है या फिर अगर आपको उसका सपोर्ट अगर अच्छा वाला नहीं मिला है, मतलब डुअल बैंड वाईफाई में अगर नेट ऊपर नीचे होता तो वो मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर आपका सिंगल बैंड वाईफाई है तो वो मैनेज नहीं कर पाएगा, तो आपको बोलते ना वेट करना पड़ेगा या फिर बफर हो रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो यहाँ पे अगर डुअल बैंड वाईफाई दिया गया होता तो शायद आप और अच्छे से एंजॉय कर पाते, तो ये एक चीज का ध्यान रखना है आपको अगर आप ये टीवी ले रहे हो। और इसी के साथ ही साथ आपको इस टीवी में 3.5mm का जैक देखने नहीं मिलेगा, तो भाई इस चीज का ध्यान रखना है अगर आप गेमिंग करना चाहते हो इस टीवी पे। हालांकि इस टीवी में MEMC का सपोर्ट है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा गेमिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर 3.5mm का जैक नहीं, आप हेडफोन नहीं लगा पाओगे क्योंकि पोर्ट है ही नहीं है, जैक है ही नहीं, तो फिर लगाओगे कहाँ पे? तो फिर हालांकि आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो ब्लूटूथ से कनेक्ट करने में वो बोलते ना अजीब लगता है, क्योंकि थोड़ा सा कनेक्टिविटी और थोड़ा बहुत 19-20 का लैग देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बड़ा हेडफोन 3.5mm जैक लगा के खेलने में बहुत मजा आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको वो जैक नहीं देखने मिलेगा। और जहां तक सवाल है कंटेंट प्रोवाइडर का, तो यहाँ पे इस टीवी में आपको Amazon Prime, Netflix, Hotstar, YouTube सब कुछ परफेक्टली चलने वाला, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और रिमोट में आपको डेडिकेटेड कीज भी देखने मिल जाएंगे ये सब जो पॉपुलर कंटेंट प्रोवाइडर के, तो एक ही बहुत अच्छी बात होगी इसी नोकिया टीवी की। और जब मैं बात कर रहा हूँ रिमोट के बारे में तो यहाँ पे मैं उनके गूगल असिस्टेंट को कैसे भूल सकता, तो आपको इस टीवी में गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट भी देखने मिल जाएगा। बिल्ट इन क्रोमकास्ट दिया गया जिसके थ्रू आप स्क्रीन बोलते ना मोबाइल का कंटेंट टीवी में भी कास्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर भाई आप नया टीवी ला रहे हो और इतने सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में अवेलेबल है, तो यहाँ पे मुझे लगता है नोकिया को एप्पल एयरप्ले 2 का भी सपोर्ट देना चाहिए था, एडिशनली एलेक्सा का भी सपोर्ट देना चाहिए था, तो शायद थोड़ा सा कॉम्पिटिशन में अच्छा कम्पीट कर पाता बाकी ब्रांड के मामले में। तो और मैंने एक डेडिकेटेड दोस्तों वीडियो भी बनाया है जहां पे मैंने बेस्ट 43 इस टीवी को कंसीडर किया है, तो ऊपर मैं लिंक कर दूंगा, यहाँ पे कहीं पे लिंक आएगा वो चेकआउट कर लीजिए, तो शायद आपको काफी आइडिया हो जाएगा कि कौन सी टीवी आपके लिए परफेक्ट होगी। तो दोस्तों यही थे सारी डिटेल्स इस नोकिया टीवी के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये टीवी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए और कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो और इसी के साथ ही साथ अगर आपका क्या मानना है इस टीवी के बारे में, और अगर मैं जहां तक बात करूं इसके कॉम्पिटिटर के बारे में, तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड जो बजट ब्रांड है स्पेशली वीयू हो गया, बाद में मोटरोला तो है ही है, एमआई भी है, एंड्रॉइड फायर टीवी है, रियलमी भी है, हालांकि वो टीवी फुल एचडी टीवी है, लेकिन यहां पे अगर आप फुल एचडी और 4K में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत रेजोल्यूशन का फर्क है, लेकिन प्राइसिंग भी आपको 10,000 से 12,000 रुपए कम देखने मिलेगी, तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ही साथ मैं सभी की बाइंग लिंक जो आपके कन्वीनियंट के लिए डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चेकआउट कर लीजिए, और आपका क्या मानना है इस टीवी के बारे में मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और हो सके तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करना, और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग, हैप्पी गाइड, बाय बाय।